प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैम, माय नेम इज़ सरफराज खान एंड आई एम फ्रॉम जबलपुर, मध्य प्रदेश। आई हैव कंप्लीटेड माय हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम सेंट अलोशियस पोलीपाथर जबलपुर, एंड देयर आफ्टर आई हैव परस्यूड इट फॉर बी एल बी ऑनर्स फ्रॉम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, विच आई हैव कंप्लीटेड इन 2021 सेप्टेम्बर, एंड देयर आफ्टर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस वेरी एग्जाम एंड दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, सो आप LLM नहीं करना चाहते, प्रैक्टिस नहीं करना चाहते? मैम, दिस वॉज माई मिसफॉर्चून। एडवोकेसी इज ऑल्सो अ रिस्पेक्टेड जॉब, बट दिस वॉज माई मिसफॉर्चून दैट आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लोर द फील्ड ऑफ एडवोकेसी, एज नो वन वॉज देयर इन माई फैमिली हु वॉज एडवोकेट, एंड ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप्स ऑल्सो आई वॉज नॉट एबल टू, बिकॉज आई वॉज फोकस्ड टूवर्ड्स द जुडिशरी। तो फैमिली जो चीज़ कर रही है उसी चीज़ को करने की क्या आवश्यकता है? आप कुछ नया कर सकते हैं, क्योंकि अगर फैमिली ही वही चीज़ करेगी उसको तो आजकल नेपोटिज्म उसमें आ जाएगा। नहीं सर, आई थिंक द मोटिवेशन फर्स्ट कम्स फ्रॉम द फैमिली, सो नो वन वॉज देयर, दैट्स व्हाई आई वॉज नॉट। यू सेइंग दैट इट्स योर मिसफॉर्च्यून दैट यू कैन नॉट प्रोसीड विद एडवोकेसी, इफ़ यू सेइंग दैट इट इज़ योर मिसफॉर्च्यून, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू फॉर्च्यून, बी द फर्स्ट जनरेशन लॉयर ऑफ योर फैमिली सो दैट द नेक्स्ट जनरेशन कैन हैव बोथ एन एडवोकेट एंड लॉ ग्रेजुएट्स। मैम, एज माई फादर वॉज इन सर्विसेज ऑफ हाई कोर्ट, सो फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैव सीन हिम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द फील्ड ऑफ जुडिशरी, एंड थ्रू हिम आई वॉज एबल टू मीट वेरियस जजेस, सो आई वॉज रियली डिराइव्ड एंड मोटिवेटेड टूवर्ड्स जुडिशरी, दैट्स द रीजन आई वॉन्ट टू परस्यू जुडिशरी। सर, आपके पिताजी डिप्यूटी रजिस्ट्रार हैं हाई कोर्ट में जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जज बनने के बाद आपको उनकी पोजिशन का अनफेयर एडवांटेज मिल सकता है? नो सर, आई डोंट थिंक दैट there will be any advantage, sir, because no sir, I don't think so. चलिए ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? मैम, सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं सर, मैं ऐसे कोई स्पेसिफिक फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है मैम। फिर भी कोई तो सब्जेक्ट होगा जो ज़्यादा अच्छा लगता होगा, इंक्लिनेशन हो किसी की तरफ? सर, प्रोसीजरल लॉज आई विल से इफ आई एम पुट इन अ पोजिशन टू चूज। ठीक है, प्रोसेसेस ऑफ द कोर्ट क्या होता है? प्रोसेसेस मैम, इट इज़ द इश्यूएंस ऑफ समन्स एंड वारंट्स टू एनी पर्सन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, दिस इज द प्रोसेस। क्या वारंट केस में समन्स इशू कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा? यस, बोथ समन्स एंड वारंट कैन बी इशूड सर इन बोथ केसेस। यस, वारंट केस में समन्स इशू कर सकते हैं, कहाँ लिखा है? सर, अंडर सेक्शन 204 क्लॉज बी इट इज मेंशन दैट इन वारंट केस समन्स और वारंट का क्लॉज बी। यस, मुझे बस पहले इतना बताइए कि क्लॉज, सेक्शन, सब सेक्शन, इनमें क्या अंतर है? सर, और सब क्लॉज जी सर, बोथ ऑल द थ्रीज आर मेड बेसिकली टू मेक अ लॉ एंड बाइफरकेट द लॉ, सो देयर विल बी एन ईज टू रीड डिवाइड to make the law, to read the law very easily. And sir, for that, first the section comes and then it is divided into subsection and that subclause given, sir. Section, फिर subsection, फिर subclause. जी सर. तो subclause forms a part of subsection and not of a clause. Clause का subclause और section का subsection ऐसा होना चाहिए. Yes, sir. है ना? तो फिर subsection और क्लॉज में क्या अंतर है, आप कैसे पहचानेंगे कौन सा सबसेक्शन है और कौन सा क्लॉज है? सेक्शन मान लीजिए लिखा है 24 और नीचे लिखा है 2, तो आप कैसे पहचानेंगे जो 2 लिखा है वो सबसेक्शन 2 है या क्लॉज 2 है? सर, माफी चाहूंगा इसके डिफरेंशिएशन। ठीक है, 164 की प्रोसीडिंग अगर ना हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा? 164 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ना, सो द प्रोसीजर ऑफ 164 इज नॉट मैंडेटरी, इफ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एनी पर्सन इज फाउंड हु इज एबल टू गिव कन्फेशन, देन ही विल बी रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड ही विल मेक अ कन्फेशन, सो इट इज नॉट मैंडेटरी प्रोसेस में। ठीक है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कौन करवा सकता है और ये कहाँ बताया हुआ है? मैम, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इन CRPC सेक्शन 54 कैपिटल ए टॉक्स अबाउट इट, एंड इट इज कंडक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 291 कैपिटल ए, एंड यस। ठीक है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की एविडेंशरी वैल्यू कहाँ बताई गई है?
मैम, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज अ रेलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट मैम. ठीक है, व्हाट इज द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ इट? मैम, इट इज ओनली अ कोरैबोरेटिव एविडेंस विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन और प्रॉपर्टी. ओके. विच इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन? सर, एज पर सेक्शन 6, द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट क्रिमिनल. सो हाई कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू टेक ओरिजिन टू हैव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन क्रिमिनल मैटर्स एज वेल. दिस इज व्हाट यू वांट टू से? सर, अंडर सेक्शन 6 आई एम एबल टू रिकॉल दैट अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट द कोर्ट ऑफ सेशन एंड द इंफीरियर कोर्ट्स आर द क्रिमिनल कोर्ट. इंफीरियर कोर्ट्स, क्या यही टर्म इस्तेमाल किया जाता है? नो सर, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आर. सबॉर्डिनेट कोर्ट्स शब्द अभी भी इस्तेमाल किया जाता है? नो सर, इट हैज रिसेंटली बीन चेंज्ड बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल टू. अच्छा, मुझे बताइए कि मान लीजिए सेशंस कोर्ट ने एक डेथ पेनल्टी दी है. डेथ पेनल्टी अपने आप उसको लागू किया जा सकता है या फिर उसके आगे कोई प्रोसेस होता है? सर, एज पर सेक्शन 28 ऑफ सीआरपीसी, इफ द कोर्ट ऑफ सेशन पासेस एनी डेथ सेंटेंस देन इट रिक्वायर्स कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट. सो अंडर सेक्शन 366 इट इज सेंड टू द हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन. सर, कितने जजेस मिनिमम चाहिए उसको कंफर्म करने के लिए? फॉर कन्फर्मिंग सर, 2 जजेस आर रिक्वायर्ड. ये कहाँ दिया हुआ है? सर, इट इज गिवन अंडर सेक्शन, सर कैन आई टेक अ मोमेंट टू रिकॉल? श्योर. सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल बट 371 आई थिंक इट. ठीक है. व्हाट आर द ग्राउंड्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल? मैम, फर्स्ट द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस विल बी सीन. सेकेंड, द एंटीसीडेंट्स ऑफ द अक्यूज सच एज प्रीवियस कमीशन. देन कम्स द प्रीवियस कन्विक्शंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन. देन कम्स द पॉसिबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन टू फ्ली फ्रॉम जस्टिस. एंड इफ द एक्विजिशन इज मेड विद इंटेंट टू इंजर, दिस विल बी ऑल्सो सीन. अच्छा, अभी हाल फिलहाल में कुछ आरोपियों को रिहा किया गया था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हो गया था पूरे देश भर में. ये मामला बिल्किस बानो वाले मामले से संबंधित है. जी सर. उन लोगों को जब छोड़ा गया था तो छोड़ने के समय क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं? अच्छा, छोड़ा गया था तो उनको क्या किया गया था? उनको बेल मिली थी, पार्डन किया था, क्या था? सर, दे वर रिलीज्ड ऑन रेमिशन. सर, दे हैव बीन सेंटेंस्ड for 14 years. So according to the Gujarat policies, it was all the 11 convicts were released on remission. So 14 years pura hone par chhod diya jayega, aisa hai? Sir, it depends upon the policy of the state government, sir, which differs from state to state. To Gujarat policy mein likha hai ki 14 years ho jaye to complete ho jaye, chhod sakte. Sir, I don't know about Gujarat policy, but under the CRPC, it is a provision under section 433 capital A. That a 14 years has to be sentence. अच्छा, और मान लीजिए अभी जैसे कोई भी किसी भी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिलती है. Yes. और उसकी सजा को ये कहा जाता है कि भाई इसको हाफ सजा हमको देनी है. जी सर. ठीक है, इसकी सजा को हम हाफ करना चाहते हैं, ऐसा आदेश हमने पारित कर दिया कि हमने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था बट लेट्स रिड्यूस हिज सेंटेंस टू हाफ. तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हाफ कितना होगा? सर, देन द फ्रैक्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 ऑफ इंडियन पीनल कोड. सो इट इज 20 ईयर्स, देन हाफ ऑफ 20 ईयर्स विल बी कैलकुलेटेड. सर, 10 ईयर्स. ठीक है. प्लीज ये बताइए, मोटिव और इंटेंशन में क्या डिफरेंस होता है? मैम, मोटिव एंड इंटेंशन, मैम, मोटिव इज द अल्टीमेट एम दैट अ पर्सन वॉन्ट टू अचीव एंड फॉर अचीविंग दैट ही फॉर्म्स इंटेंशन. Can you illustrate the difference? Ma'am, through illustration, if A wants to take revenge from B, then the revenge will be the motive, and he forms intention to murder him. Then it is a difference. Key difference kya hoga? Motive relevant hai, yes. Lekin crime ka essential element nahi hai. Yes. Why is
intention an essential element of crime, whereas motive is not. Whereas it is the driving force, as we say. Yes. मैं माफ़ी चाहूँगा, इसका एप्रोप्रिएट आंसर फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, इसमें मुझे ये बताइए कि प्रिपरेशन, क्या प्रिपरेशन पनिशेबल होती है किसी ऑफेंस में? सर, एज अ जनरल प्रोविजन इट इज़ नॉट पनिशेबल, बट अंडर आईपीसी सर्टेन ऑफेंसेज आर देयर। अच्छा, चलिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने अपने 3-4 दोस्तों से कहा कि यार हम लोग मिल करके बैंक लूटेंगे। उसने दोस्तों को इकट्ठा कर लिया, प्लान जो है एक पर्चे पर लिख लिया। Yes. सभी दोस्तों ने जाकर के बंदूकें खरीदी, एक गाड़ी खरीदी, सभी लोग पहुंचे बैंक में एक साथ, और उसमें से एक व्यक्ति ने बंदूक निकाली और हवा में फायर करी। हवा में फायर करके उन्होंने सब लोगों से कहा कि भाई हमको पैसे हमारे हवाले कर दीजिए, पैसे लिए और वो सारे के सारे निकल गए। पकड़े जाने पर हम कब कहेंगे कि इनका प्रिपरेशन खत्म हुआ, अटेम्प्ट शुरू हुआ और सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ? ये तीनों किन किन स्टेज पे कहे जाएंगे? फर्स्ट प्रिपरेशन वॉज द बाइंग ऑफ गन्स एंड अरेंजिंग द व्हीकल्स टू मूव टूवर्ड्स द बैंक इज अ प्रिपरेशन, एंड एज सून हैज दे हैव टेकन आउट द गन एंड शूटेड इन द एयर, इट वॉज द एक्ट टूवर्ड्स द फर्दरेंस ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस एंड दे व्हेन दे लूटेड द बैंक एंड वॉट इज द टेस्ट टू अंडरस्टैंड कि at this point the preparation has ended and attempt has begun? Sir, when any act which is done in furtherance of the commission and the act cannot be taken back, revert back, then the preparation converts into... ठीक है। Yeah. एक महिला कुएं की तरफ भाग रही है सुसाइड करने के लिए, कुछ गांव वाले उसे देख लेते हैं। Yeah. तो कूदने से पहले उसे पकड़ लेते हैं ताकि वो कूद ना पाए। क्या ये महिला के ऊपर अटेम्प्ट टू सुसाइड का चार्ज लग सकता है? कैन आई टेक अ मोमेंट टू थिंक? नो मैम, शी विल नॉट बी चार्ज्ड ऑफ दैट, बिकॉज मैम शी वॉज एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ओनली, एंड इफ शी हैव हैड जम्प्ड एंड इन द वेल एंड नॉट डाइड देन ओनली अटेम्प्ट विल बी डन। ठीक ठीक, ये बताइए प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट क्या होता है? सॉरी मैम, इसके बारे में आइडिया नहीं है। सेक्शन 88 ऑफ सीपीसी क्या कहता है? मैम सेक्शन 88 सॉरी मैम, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ ये प्रोविजन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा? यस। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स आपको प्रोवाइडेड हैं, वो सारे राइट्स में से एक राइट है राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसको क्या हम जनरली किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी एनफोर्स करवा सकते हैं? सर, दिस राइट आर्टिकल 19 वाज अर्लियर बीन एनफोर्स्ड अगेंस्ट द स्टेट ओनली बट नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल, but sir recently in the case of Kushal Kishore versus state of UP, the constitutional bench of supreme court held that it can be enforced against the private individual. Uske against bhi aap 32 mein hi jayenge ya fir kisi anya law ke madhyam se jayenge? According to my limited knowledge sir, fundamental right has been infringed, so article 32 will be invoked sir. Acha, mujhe ye bhi bataiye sath mein ki isse sambandhit जो अभी रिसेंटली जजमेंट आया था, जजमेंट आया था या वर्डिक्ट आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड वर्डिक्ट? सर माफी चाहूंगा इसके लिए। ठीक है, जजमेंट एंड ऑर्डर? सर जजमेंट इज पास्ड आफ्टर द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल, बट ऑर्डर कैन बी पास्ड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल एज वेल। अच्छा, तो ऑर्डर से ही चलिए और रिलेट करते हैं। जजमेंट इज पास्ड आफ्टर द फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ द मैटर। एडजुडिकेशन एंड डिसीजन में क्या अंतर है? सर एडजुडिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज इज डन, एंड सर सेकंड वर्ड वाज डिसीजन। डिसीजन सर, डिसीजन इज टेकन आफ्टर द ड्यू प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट्स। तो कोर्ट एडजुडिकेट करती है फिर डिसाइड करती है। यस। उसके बाद जजमेंट आता है। यस। चलिए,
ठीक है, प्लेंट अगर रिटर्न हो जाए फिर आपके पास क्या रेमेडी है? मैम, द प्रोविजन ऑफ रिटर्न ऑफ प्लेंट इज गिवन अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 एंड इफ इट इज रिटर्न देन द पार्टी कैन अप्रोच टू द कॉम्पिटेंट कोर्ट एंड फाइल अ फ्रेश प्लेंट देयर। ठीक है, ठीक है। क्वेजाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर, क्वेजाई कॉन्ट्रैक्ट सर, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच डज नॉट फुलफिल्स द असेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सम असेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट सम असेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, सो इट इज़ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई एग्जाम्पल आप दे पाएंगे? सर, इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज डन विद अ माइनर टू सप्लाई असेंशियल्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ then it is a contract done with a person who is not competent to contract but other essentials are fulfilled. kya ek smartphone aur internet ek minor ki necessity hai? sir, as per the present circumstances sir, I will say it is a essential sir, because it helps in education of a child, it is very essential. kya essentials mein kya kya aayega? sir, there is 4 essentials sir, food, shelter, clothing, water. These are the essentials. Healthcare and education. Healthcare and education. ठीक है, चलिए। Transposition of parties क्या होता है? मैम, transposition basically means when a plaintiff is converted to defendant or a defendant is converted to the plaintiff. The provision of transposition is given under Order 23, Rule 1, Capital A. इसका कोई example बता सकते हैं आप, जहाँ पे ऐसा होता है? When the plaintiff has withdrawn the plaint and there are 2 or more defendants and between the defendants there are some substantial rights to be determined, then one of the defendant will be transposed as a plaintiff and then the suit will continue, ma'am. ठीक है, ठीक है। Easement by prescription, ये क्या है? Ma'am, it is given under Section 25 of Indian Limitation Act, which talks about that if any person uses excess light or air from any building or use of water or water course, and he does that openly without any interruption, then his right becomes absolute and indefeasible to that easement. What is the limitation for that? So, ma'am, 20 years it is the limitation, and after the 20 years has elapsed, he has to file a declaration suit within 2 years, ma'am. Are you sure? Yes, ma'am. ये चीज़ याद कैसे रहती है कि 20 साल पहले we started walking on this road, तो 20 साल बाद exactly मुझे याद रहे कि अच्छा, अब 2 साल बाद मुझे declaration file करना है फिर? As per section 25, it is a mandate, ma'am, so it has to be done. ठीक है. In case of government, what is the time period? Then ma'am, 30 years is the time period, ma'am. 30 years, ठीक है। TPA में एक छोटा सा मैक्सिम आता है, नेक वी नेक काम नेक पे कैरी, हो सुना है आपने? सॉरी सर, ठीक है। ये बताइए कि एक्शनेबल क्लेम और मॉर्गेज में क्या डिफरेंस होगा? मैम, एक्शनेबल क्लेम इज अ डेट and for mortgage also a debt is required, but the main difference lies that in mortgage there is a secured debt and in actionable claim there is unsecured debt, ma'am. Nothing iske alawa koi difference nahi hai kya? Because there are differences. The difference comes their requirement of in mortgage is for immovable property. In actionable claim, the movable property can also be secured. ठीक है। marshalling क्या होता है? Marshalling as per TPA, ma'am, marshalling is a protection given to a purchaser, subsequent purchaser under section 56, and also to a subsequent mortgagee also under section 81. So it is when a person has 2 or more properties and he first mortgages to one person for securing a debt and sells one of that property to any other person, then the purchaser has the right to require the mortgagee to satisfy his debt out of the property which is not sold to him. So this is the right of marshalling, ma'am. ठीक है, मुझे ये बताओ
क्या आपको जज क्यों बनना है? आपने बताया आपके पेरेंट्स आपके पेरेंट इस सिस्टम में ऑलरेडी हैं, वो सब ठीक है, लेकिन खुद का इंडिविजुअल चॉइस भी होता है, आपको क्यों जज बनना है? यस मैम, ऑनेस्टली आफ्टर परसुइंग माई BLLB आई वॉज बिट कन्फ्यूज बिटवीन डिफरेंट प्रोफेशन विच दिस फील्ड अलाउज, बट आफ्टर दैट आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट फील्ड्स, बट द पॉइंट केम इन माई लाइफ व्हेन आई इंटर्न्ड इन कंज्यूमर फोरम. देर आई सॉ द रोल ऑफ द जज एंड द ट्रस्ट दैट द जज हैज़ of the people, and he acts as a bridge between the persons and justice. So that was the point when I thought that I belong to this place and that trust and follow this responsibility throughout my life. मैं थोड़ा सा अपनी hobbies के बारे में बताइए, खाली समय में क्या करते हैं आप? After my study schedule, I try to cycling and cook. And you cook? किस type का खाना बनाते हैं? सर नॉर्मल ही खाना बनाना पसंद करता हूँ, पर थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक से बनाने की कोशिश करता हूँ. सर रिसेंटली मैंने जो नॉनवेज फूड होता है उसे मैंने ग्रिलिंग के थ्रू मटकी में बनाने की कोशिश करी. सर जो स्मोक रहता है वो काफ़ी एनहेंस कर देता है टेस्ट. सर मैं थोड़ी सी ये वैरायटी बनाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू.